नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे द्वारका नगरी की। द्वारका नगरी समुद्र में कैसे डूब गई? आइए जानते हैं इसके रहस्य के बारे में जानकारी। ऐसा माना जाता है कि 5000 वर्ष पहले द्वारका श्री कृष्ण की नगरी थी, जिसे भगवान विश्वकर्मा जी ने बनाया था। कथाओं के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण ने अपने भाई बलराम और यादव वंश के साथ मिलकर द्वारका नगरी बसाई थी। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ने के बाद अपने परिजनों और यादव वंश की रक्षा के लिए द्वारका में नया नगर बसाया था। भगवान श्री कृष्ण के कहने पर मथुरा छोड़कर द्वारका जाने की वजह थी जरासंध के अत्याचारों से प्रजा को बचाना और धर्म संस्थापन के लिए यादवों की सुरक्षा करना। कंस के बढ़ते अत्याचारों से बचने के लिए कृष्ण का परिवार वृंदावन चला गया था। बाद में श्री कृष्ण मथुरा गए और कंस का वध करके जनता को उससे आजाद कराया। जनता के अनुरोध पर उन्होंने मथुरा का राजभार संभाल लिया, लेकिन कंस का ससुर जरासंध मगध का शासक था। श्री कृष्ण को अपना परम शत्रु मानने लगा और उन्हें मारने के लिए 17 बार आक्रमण किया। जरासंध श्री कृष्ण और बलराम को मारना चाहता था। जरासंध एक वीर योद्धा था और मल्ल युद्ध में प्रवीण था। वह अपने साथ राजा शैलय कालयवन को भी लाया था, जिसकी मदद से वह श्री कृष्ण को हराना चाहता था। जरासंध के पास सबसे बड़ी सेना थी और वह बेहद क्रूर अत्याचारी भी था। श्री कृष्ण जरासंध के हर आक्रमण में उसकी पूरी सेना को नष्ट कर देते थे, लेकिन जरासंध को जीवित छोड़ देते थे। ऐसा 16 बार हुआ। श्री कृष्ण को लगता था कि जरासंध कंस की मृत्यु के लिए जिम्मेदार था और बार बार आक्रमण करने से जनहानि हो रही थी। साथ ही श्री कृष्ण को यह भी पता था कि जरासंध की मृत्यु उनके हाथों नहीं लिखी है। जरासंध अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहता था और इसके लिए उसने कई राजाओं को परास्त कर अपने अधीन कर लिया था। कृष्ण और बलराम अपने कुछ सहयोगियों के साथ हर बार मथुरा छोड़कर निकल जाते और घने जंगलों, दुर्गम खाइयों में जरासंध की विशाल सेना को अटका कर चतुराई से हरा देते। आखिरकार यादवों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ने का फैसला लिया। उन्होंने समुद्र किनारे अपनी एक दिव्य नगरी को बसाने का निर्णय लिया। कथाओं के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण ने अपनी द्वारका नगरी बसाने के लिए समुद्र देव से जगह मांगी थी। भगवान हरि के इस आग्रह को समुद्र देव ठुकरा न सके और समुद्र देव ने उन्हें जगह दे दी थी। इसके बाद समुद्र में से निकली जगह पर श्री कृष्ण द्वारा भगवान विश्वकर्मा को द्वारकापुरी की स्थापना का निर्देश दिया गया। भगवान विश्वकर्मा से द्वारकापुरी बनवाई गई और उन्होंने एक ही रात में इस भव्य नगरी का निर्माण कर दिया। यह शहर 84 वर्ग किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ था और गोमती नदी के किनारे बसा था। कहा जाता है कि द्वारका का निर्माण समुद्र से मिले एक जमीन के टुकड़े पर किया गया था। कहा जाता है कि द्वारका नगरी सोने से बनी हुई थी और इसका प्राचीन नाम कुशस्थली था। श्री कृष्ण ने यादव वंश को इसी द्वारका नगरी में बसाया था। यह नगरी समुद्र के बीचों बीच 84 वर्ग मील में बसी हुई थी। शहर जल्दी ही प्रमुखता से उभरा और भगवान कृष्ण के मिशन का अजेय केंद्र बन गया, जिसमें लगभग 900 महलों में हजारों लोग रहते थे। शहर की किलेबंदी की गई थी और वहां केवल जहाज से ही पहुंचा जा सकता था। भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका नगरी पर करीब 36 सालों तक राज किया था। श्री कृष्ण के शासन काल में उन्होंने पांडवों और कौरवों के बीच हुए संघर्ष में अहम भूमिका निभाई थी, जिसके कारण कुरुक्षेत्र में विनाशकारी युद्ध हुआ था। कृष्ण अपने मित्र अर्जुन के साथ भी घनिष्ठ संबंध रखते थे और युद्ध के दौरान कई बार उन्हें सलाह भी देते थे। आखिरकार पांडव युद्ध जीत गए। श्री कृष्ण ने जरासंध का वध करने के लिए योजना बनाई थी। योजना के अनुसार भीम और जरासंध का मल्ल युद्ध आयोजित किया गया। ये युद्ध कई दिनों तक चला था। भीम जब भी जरासंध के शरीर के दो टुकड़े करते तो दोनों ही हिस्से फिर से जुड़ जाते थे। बार बार ऐसा ही हो रहा था। तब श्री कृष्ण ने भीम को संकेत दिया कि जरासंध के शरीर के दोनों हिस्सों को अलग अलग दिशाओं में फेंके। श्री कृष्ण का संकेत समझकर भीम ने वैसा ही किया और जरासंध मारा गया। द्वारका नगरी पानी में क्यों डूबी? पहली मान्यता गांधारी के श्राप से जुड़ी है। कहा जाता है कि जब महाभारत के युद्ध में पांडवों की जीत हुई और कौरव खत्म हो गए,
तब गांधारी ने श्री कृष्ण को महाभारत का दोषी ठहराते हुए श्राप दिया। गांधारी राजा धृतराष्ट्र की पत्नी और कौरवों की माँ थी। महाभारत युद्ध में उनके सभी 100 पुत्र मारे गए थे, जिससे वे बहुत दुखी थीं। युद्ध के बाद जब श्री कृष्ण गांधारी से मिलने गए तो गांधारी ने उन्हें महाभारत का दोषी ठहराते हुए श्राप दिया। गांधारी ने कहा था कि अगर उसने अपने आराध्य देव की सच्चे मन से आराधना की है और अपना पत्नी व्रता धर्म निभाया है तो जैसे मेरे कुल का नाश हुआ है ऐसे ही तुम्हारा वंश तुम्हारे ही सामने समाप्त हो जाएगा और तुम देखते रह जाओगे। श्री कृष्ण ने गांधारी को कहा, माता मुझे आपसे इसी आशीर्वाद की प्रतीक्षा थी, मैं आपके श्राप को ग्रहण करता हूँ। इसके बाद श्री कृष्ण द्वारका लौट आए। एक दिन द्वारिका में महर्षि विश्वामित्र, कण्व और देवर्षि नारद पधारे। वहां पर कुछ युवा आए और उनके साथ परिहास करने लगे। वे परिहास करते समय अपनी मर्यादा तक भूल गए और श्री कृष्ण के पुत्र सांब को स्त्री वेश में ऋषियों के पास ले गए और कहा कि ये स्त्री गर्भवती है, इसके गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। सभी ऋषि अंतर्यामी थे, उन्हें पता था कि वह श्री कृष्ण के पुत्र हैं, लेकिन क्रोध में आकर ऋषियों ने श्राप दिया कि श्री कृष्ण का यह पुत्र वृष्णे और अंधकवंशी पुरुषों का नाश करने के लिए एक लोहे का मूसल उत्पन्न करेगा। श्री कृष्ण को जब यह बात पता चली तो उन्होंने कहा कि ये बात अवश्य सत्य होगी। ऋषि मुनियों के श्राप का प्रभाव इतना तीव्र था कि अगले दिन ही सामने मूसल उत्पन्न किया। द्वारका के राजा उग्रसेन ने उस मूसल को चूरा कर समुद्र में डलवा दिया और घोषणा करवाई कि आज से कोई भी नागरिक अपने घर में मदिरा तैयार नहीं करेगा। इसके बाद द्वारका पतन की ओर बढ़ने लगा। श्री कृष्ण सब देख रहे थे, वह समझ चुके थे कि माता गांधारी का श्राप जल्द ही सत्य होने वाला है। एक बार सभी यदुवंशी महाभारत के युद्ध की चर्चा कर रहे थे, इसी दौरान सात्यकी और कृतवर्मा में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। यह विवाद इतना बढ़ गया कि सात्यकी ने कृतवर्मा का सिर काट दिया। इस घटना के बाद यदुवंशी समूहों में विभाजित हो गए और एक दूसरे के शत्रु हो गए। इस युद्ध में श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न समेत कई यदुवंशियों का विनाश हो गया। यदुवंश के नाश के बाद बलराम इतने दुखी हुए कि उन्होंने भी जल समाधि ले ली। इस तरह श्री कृष्ण के कुल का नाश भी उनके सामने हुआ। गांधारी का यही श्राप द्वारका डूबने की वजह बनी। पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि महाभारत के 36 साल बाद जब श्री कृष्ण 125 साल के थे तब वे वन में लेटे हुए पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। तभी जरा नाम का एक बहेलिये ने उन्हें हिरण समझकर दूर से तीर चला दिया। तीर उनके पैरों में जाकर लगा। इसके बाद उन्होंने नदी किनारे अपना मानव शरीर त्याग दिया और बैकुंठ या गोलोक धाम चले गए। भगवान श्री कृष्ण की जीवन लीला पूर्ण होते ही देखते ही देखते पूरी द्वारका नगरी रहस्यमय तरीके से समुद्र में समा गई। हरिवंश पुराण के मुताबिक द्वारका नगरी समुद्र से ली गई थी और कृष्ण जी के बैकुंठ लौटने के बाद समुद्र देव ने उस जमीन को वापस ले लिया था। विष्णु पुराण के मुताबिक श्री कृष्ण की मृत्यु के दिन ही शक्तिशाली काली दानव का कलयुग शुरू हुआ था और समुद्र में तूफान उठने लगे थे जिससे द्वारका नगरी डूब गई थी। कहा जाता है कि द्वारका नगरी के आज भी समुद्र में अवशेष मिलते हैं। वर्तमान द्वारका के पास समुद्र में खोजबीन के दौरान एक नगर होने के सबूत मिले हैं और इसके अवशेष आज भी अरब सागर में समाये हुए हैं। पुरातत्वविदों ने पानी के नीचे छिपा द्वारका शहर के बारे में बहुत कुछ लिखा है। शास्त्रों के मुताबिक यह खूबसूरत द्वारों और ऊंची इमारतों वाला शहर था। कहा जाता है कि इस नगरी में कई द्वार थे और इसीलिए इसका नाम द्वारका रखा गया था। ऐसा माना जाता है कि द्वारका नगरी समुद्र में करीब 300 फट की गहराई पर डूबी है। साल 1963 में गुजरात सरकार ने एस्कावेशन डिकैन कॉलेज पुणे के डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी से समुद्र में डूबी द्वारका के लिए खोज शुरू करवाई थी। सरकार के पर्यटन विभाग के अधिकारियों के अनुसार भगवान कृष्ण की जलमग्न द्वारका नगरी को देखने के लिए एक पनडुब्बी परियोजना शुरू की जाएगी। पनडुब्बी से भी द्वारका के दर्शन किए जा सकते हैं। इस पनडुब्बी को समुद्र में 300 फुट तक ले जाया जाता है। इसमें 30 लोग बैठ सकते हैं और हर सीट विंडो व्यू देती है। यात्रियों को ऑक्सीजन मास्क, फेस मास्क और स्कूबा ड्रेस दी जाती है।
इसमें प्राकृतिक रोशनी की व्यवस्था होती है और संचार प्रणाली और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसी सुविधा भी होती है। सबमरीन में बैठकर भी सामने स्क्रीन पर भीतर की हलचल, जीव जंतु आदि देखे जा सकते हैं और रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। द्वारका नगरी का धार्मिक, पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व है। गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में अरब सागर के द्वीप पर स्थित द्वारका में द्वारकाधीश मंदिर है। यह मंदिर गोमती नदी के किनारे बना है और हिंदुओं के चार धामों में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण भगवान श्री कृष्ण के पोते वज्रभ ने किया था। यह मंदिर 5 मंजिल का है और 72 स्तंभों पर टिका है। इसका शिखर करीब 78 मीटर ऊंचा है और इसे चूना पत्थरों से बनाया गया है। इस मंदिर का झंडा दिन में 5 बार बदला जाता है। द्वारका नगरी के अवशेष आज भी अरब सागर में समाये हुए हैं। समुद्र से जुड़ी अलग अलग रिसर्च के दौरान द्वारका नगरी के पिलर और अवशेषों के बारे में जानकारी मिलती रहती है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की अंडर वाटर आर्कियोलॉजी विंग को समंदर में कुछ तांबे के सिक्के और ग्रेनाइट स्ट्रक्चर भी मिले हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलना। धन्यवाद।